ये चुनाव है या कोई दादागर्दी का अड्डा हो गया, आदमी मरे और दूसरे संप्रदाय का आदमी खुशी जाहिर करे, इससे ज़्यादा घटिया और इससे ज़्यादा बीमारू बात हो ही नहीं सकती। देश की स्थिति मुझे तो बड़ी भयावह लगती है। कभी किसी कोई मुख्यमंत्री जेल में चला जाता है, किसी कस्टोडियल डेथ हो जाती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है विजेंद्र कसाना। सर, आप एडवोकेट हैं, क्या कहेंगे? सवाल सरकार पर सवालिया निशान है, कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पहले ही उन्होंने पत्र में लिखा था कि हमें धीमी जहर दी जा रही है, मेरे जान को खतरा है और तमाम बातों के साथ, अब जो है निधन के बाद ये सारे सवाल उठने लगे हैं। देखिए, जब दूसरे राज्य में कोई कैदी हो और उसे दूसरे राज्य में लाया जाए तो भूमिका तो वहीं ख़राब हो जाती है। दूसरा ये भी है कि इस मुल्क में क्या नहीं हो रहा, ये भी एक सवाल है। तीसरा ये भी है कि जिसका चचा उपराष्ट्रपति रहा हो, जिसके परिवार में जनरल रहे हों, उस तरह के लोगों का भी ये हश्र है। यानी जेल में कोई है तो जेल को अभी तक सबसे ज़्यादा सुरक्षित जगह माना जाता था, लेकिन अब लगता है शायद जेल भी सुरक्षित नहीं है। मुझे उसकी अंदरूनी जानकारी नहीं, लेकिन जिस तरह की चीज़ें और जिस तरह की आशंकाएँ थी, उस आशंकाओं पर तो सरकार को बहुत सख्त होकर उसकी सुरक्षा का ख्याल करना था। यदि आशंका के बाद भी कुछ घटना घटित होती है तो क्वेश्चन मार्क तो लगता ही है। क्या न्यायपालिका जो है अब सरकार के आगे मजबूर हो चुकी है? नहीं, मजबूर तो नहीं कहेंगे। जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो फैसला आया है उससे तो लगता है कि सरकार तो मजबूर, कोर्ट तो मजबूर नहीं है, लेकिन हाँ, सारे जज एक जैसे हों ये तो नहीं है। और जुडिशरी में गिरावट तो आई है, निसंदेह गिरावट आई है। जब अयोध्या जैसे फैसले हो सकते हैं तो गिरावट तो है जी। सरकार दबाव बनाती है न्यायपालिका पर, अब ये तो न्यायपालिका वाले जाने और सरकार जाने, लेकिन कुछ गड़बड़ तो, जो आम नागरिक के नाते हम सोचते हैं, कुछ गलत तो है कहीं ना कहीं। जैसे अभी सिसोदिया का ही केस है, उसमें आप इधर भी नहीं करते उधर भी नहीं करते। कुछ वो मुस्लिम नौजवान थे, उनका भी केस है, आप ना इधर करते ना उधर करते, तो आप रिजेक्ट करिए या उसको कुछ तो करिए कहीं ना कहीं, तो उसको लटकाइए मत, उसको पेंडिंग मत रखिए। परिजनों ने जांच की मांग की है, पूर्व सीएम जो है अखिलेश यादव ने भी जांच की मांग की है, तमाम लोगों ने कहा है कि सीबीआई जांच हो या न्यायालय की देखरेख में इस बात की जांच होनी चाहिए, वहां की स्पष्टता जो है वो परिजनों को, जनता को मालूम होना चाहिए कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ। बिल्कुल जाँच होनी चाहिए, कोई भी आम नागरिक हो और किसी के साथ कस्टडी में हादसा हो जाए, उन पर भी जांच होती है। और सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत सारे फैसले इस तरह के दिए हैं और उनमें सजाएं हुई हैं, और बहुत सारे घटनाक्रम, जैसे पुलिस में एक बहुत चर्चित केस रहा माया त्यागी कांड भागपत का, उसमें बहुत सारे पुलिस अधिकारियों को सजा हुई थी, कर्मचारियों को और अधिकारियों को। तो जाँच करवाना तो हर नागरिक का हल है, जाँच होनी चाहिए, लेकिन ये एक अच्छा रवैया नहीं है। मान लिया इस तरह के घटनाक्रम होते रहेंगे तो वो एक ठीक नहीं है। सरकार जो होती है वो धर्म से भी ऊपर होती है, जाति से ऊपर होती है, वो संप्रदाय स्टेट सबसे ऊपर है। और यदि सरकार में कहीं कोई ऐसे क्वेश्चन मार्क लग जाए कि कोई धर्म विशेष का है, जाति विशेष का है और उसके साथ कोई इस तरह की घटना है, तो फिर बहुत बड़ा संदेह खड़ा होता है और उस पर आगे उसके परिणाम अच्छे नहीं आते हैं। अतीक अहमद का इतिहास निकालकर अब जो है अतीक अहमद के साथ जो कुछ हुआ, उसके बाद मुख्तार अंसारी के साथ जो कुछ हुआ, अब लोग जो है आजम खान के लिए चिंता जाहिर करने लगे हैं कि उनके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है, ऐसी लोगों को के दिमाग में आने लगी है बातें। देखिए, ये लोग बीजेपी के विरोध के थे, अब कल अभी आजम खान की भी जैसे बात होने लगी है, तो जो लोग अभी बैठे देख रहे हैं या साइलेंट हैं, वो ये ना समझे उनका नंबर नहीं आएगा, नंबर तो उनका भी आएगा। जो भी विरोध में आप बात करेंगे, या तो आप हाँ जी बोलिए, और विरोध में आप आएंगे तो आप फिर झेलेंगे। तो ये किसी के साथ भी हो सकता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोधी स्वर होते हैं। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हो सकता, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं आप मेरा कत्ल करा दो, वो तो बात नहीं हो सकती है। लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत लोगों ने पटाखे छोड़े गए हैं, खुशियाँ मनाई गई है, जश्न का माहौल है सोशल मीडिया पर इसके बाद से। देखिए, हम कहते हैं, पहली बात तो वो कोई बहुत वैसा अपराधी नहीं, लेकिन मान भी लें वो बहुत खूंखार अपराधी था और उसके साथ इस तरह की कस्टोडियल डेथ हो गई, मान भी लें थोड़ी देर के लिए। किसी धर्म विशेष को या जाति विशेष को खुश होना चाहिए, किसी के मातम पे किसी का खुश होना, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि समाज के बीमार तो नहीं हो गया, या समाज में इस तरह की चीज़ें पैदा हो गई हैं तो ये बहुत भयावह है। हम किस तरह का समाज इस मुल्क में पैदा कर रहे हैं ये सोचना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा भयावह और बहुत खतरनाक स्थिति है कि एक संप्रदाय का आदमी मरे
और दूसरे संप्रदाय का आदमी खुशी जाहिर करे, इससे ज़्यादा घटिया और इससे ज़्यादा बीमारू बात हो ही नहीं सकती है। तो क्या और एक अभी जो है सोशल मीडिया पर योगी आदित्यनाथ की विधानसभा के अंदर की दी गई भाषण जो है गुंडा माफियाओं पर जो वो कुछ कह रहे हैं वो इस वक्त काफ़ी वायरल किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। देखिए, हम तो बचपन में और इन सरकारों से पहले बहुत सारे मिनिस्टर्स के साथ मिलना मिलाना होता था। हमने इतने संजीदा लोग देखे, जैसे कई बार जाते थे तो वो जैसे हम किसी को नमस्ते कर रहे हैं या उसको सम्मान दे रहे हैं तो वो भी उसी तरीके से हाथ जोड़ के सम्मान देता था। उनकी भाषाएं बहुत पोलाइट होती थी, उनकी समझ बहुत अच्छी होती थी। और किसी शासक को और किसी सत्ता में बैठे किसी मिनिस्टर को या किसी दूसरे आदमी को हेकड़े की भाषा बोलना शोभनीय नहीं है। यदि कोई गलत है तो आप उसको दंड दीजिए। उसकी प्रॉपर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आप इंक्वायरी में आए, सजा दीजिए। सजा देना कोर्ट का काम है, लेकिन हैकड़े दिखाना वो ठीक नहीं है। और ये 140 करोड़ लोग हैं, आप हैकड़ी सबको नहीं दिखा सकते। आप 10-20 लोगों को इधर उधर कर सकते हैं, डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, लेकिन पूरे मुल्क को आप हैकड़ी दिखा देंगे ये किसी की इस दुनिया में चली नहीं। बड़े बड़े तुरमखा आए, एक दिन सब चले गए। हैकड़ी से सत्ताएँ नहीं चलती हैं। सत्ताएँ आपसी विश्वास, भाईचारे, समझ। देखा तो यहाँ तक गया है, मैं एक सांसद का नाम भूल रहा हूँ, शायद वो कोई यादव थे, उन्होंने एक अभियान चलाया था कि जितने डकैत जो दिशा भ्रमित हैं मैं उनको मुख्यधारा में लेके आऊँगा। और एक बार की एक घटनाक्रम हुआ, वो सुबह सुबह अपने घर में थे, उनकी पत्नी खाना बना रही थी और एक डकैत सुबह बंदूक लेके उनके सुबह सुबह घर आ गया और उसने कहा मुझे सांसद महोदय से मिलना है। तो महिला डरी हुई गई और अंदर उसने बोला कोई बंदूक लेके आया है। तो उसने देखा तो बहुत नामी गिरामी डकैत था, वो आया और उसने उनके पैर छुए और बोला मैं जो है सरेंडर करने आया हूँ। उसने तभी पुलिस के आला अफसर को फ़ोन किया और बोला कि ये मेरी इज्जत की बात है, कोई अनहोनी ना हो जाए या कोई धोखा ना हो जाए, ये सरेंडर करेगा और बाद में उस डकैत को ज़मीनें देखे और उसको बिल्कुल मुख्य धारा में लाया गया और वो बहुत सम्मानित जीवन उसने फिर बाद में जिया। तो ऐसे लोग भी रहे हैं। आप कह रहे हैं लोगों को सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए। हमारे लोग हैं, दिशा भ्रमित हो सकते हैं, भटक सकते हैं, विरोध में आ सकते हैं, लेकिन हमारे लोग हैं। संविधान में लिखा हम भारत के लोग, हम भारत के लोगों के साथ भारत के लोगों की तरह का व्यवहार करना पड़ेगा, दुष्टों जैसा व्यवहार नहीं करना पड़ेगा। लोग भटक सकते हैं। भारत में ऐसी मिसालें भी हैं कि जो उग्रवादी संगठनों में लोग चले गए थे वो वापिस आए, सरकारों ने उनको मुख्यधारा में लिया और उनको एक सम्मानित नागरिक का व्यवस्था दी। कश्मीर में ऐसा बहुत होता रहा, कश्मीर के बहुत अलगाववादी जो युवा थे उनको मुख्य धारा में लाया गया, उनको सरकारी नौकरी में भी लिया गया। अभी हम देख रहे हैं कि पूरा देश जो है लोकतंत्र के चुनाव में जो है अभी चुनावी माहौल है, लोकतंत्र का जो महापर्व कहा जाता है उसमें रमा हुआ है। वहीं पक्ष विपक्ष की बात कर ले तो तैयारियां चल रही है, अब दिल्ली के सीएम को गिरफ्तार कर लेना, उससे पहले झारखंड के सीएम के साथ जो भी कुछ हुआ, ये सब कुछ देख के क्या लगता है ये लोकसभा चुनाव की जो चुनाव की तैयारी है 400 पार की तैयारी है या सच में कार्रवाई हो रही है? देखिए, देश की स्थिति मुझे तो बड़ी भयावह लगती है। कभी कुछ वकील चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखते हैं साहब बहुत कुछ गलत हो रहा है, कभी किसी कोई मुख्यमंत्री जेल में चला जाता है, कभी कोई विरोधी आदमी जेल में चला जाता है, किसी कस्टोडियल डेथ हो जाती है। तो समझ नहीं आ रहा इस मुल्क को हो क्या गया, ये चुनाव है या कोई दादागर्दी का अड्डा हो गया? चुनाव हैं। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाई इसलिए गई थी कि जब राजशाही हुआ करती थी तो राजशाही में ये था कि कल किसी युवराज का राजतिलक होना है, रात को उसका भाई उसका कत्ल कर देगा। तो उससे बचने के लिए, सत्ता परिवर्तन के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाया गया और उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये था कि खून खराबा ना हो। और यदि हम लोकतंत्र में भी खून खराबे की तरफ जाएंगे तो इसका मतलब लोकतंत्र भारत का मैच्योर नहीं है। इस लोकतंत्र को बहुत अभी परिपक्व होने की ज़रूरत है, तब रास्ता निकलेगा। ठीक है, तो आपने सुना तमाम सवालों के जवाब दिए उन्होंने, पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ड्यूटी गिरी, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।